सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये ग्रंथियाँ हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। इन ग्रंथियों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक है एग्जोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और एक है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियाँ। इन ग्रंथियों से अनेक हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स शरीर में जो उन हार्मोन्स का जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पहुँचते हैं और उस हार्मोन से होने वाली जो क्रिया है वो संपन्न होती है। इन तीनों ग्रंथियों में अंतर होता है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ऐसी ग्रंथियाँ जिन ग्रंथियों से निकलने वाला रसायन या हॉर्मोन्स सीधे ही ब्लड में स्रावित होता है, ये ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। अर्थात ऐसी ग्रंथियाँ जिनके स्राव या अर्थात हार्मोन को ले जाने के लिए किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती, इनसे निकलने वाला हार्मोन सीधे ही ब्लड में स्रावित किया जाता है और वहाँ से टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। दूसरी ग्रंथियाँ हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड्स यानी ऐसी ग्रंथियाँ कि जिन ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन्स ब्लड में स्रावित नहीं होता है, यानी इन ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन्स एक डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक ले जाया जाता है, यानी इन ग्रंथियों में डक्ट या वाहिनी पाई जाती है जो इनके स्राव यानी हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक ले जाती है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती है, इनसे निकलने वाला हार्मोन सीधे ही ब्लड में स्रावित होता है। तीसरी प्रकार की जो ग्रंथियाँ थी मिक्स्ड ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स तथा एक्जोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ग्रंथियों के लक्षण पाए जाते हैं, उन ग्रंथियों को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं यानी मिश्रित ग्रंथियां उन्हें कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, जैसे ये एक्जोक्राइन ग्लैंड्स है, इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हॉर्मोन्स है वो एक डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन इस ग्रंथि की सेल्स के द्वारा जो स्रावित हॉर्मोन है वो डायरेक्ट है ब्लड में ही स्रावित किया जाता है, ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। अब हम लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव को टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए किसी प्रकार की डक्ट या वाहिनी नहीं पाई जाती है। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। मुख्य तो जो ग्रंथियां हैं जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें है पीनियल ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज, फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस। ये ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो हमारे शरीर की मुख्य बड़ी ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन स्रावित करती है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, कार्य हैं, वो संपन्न होते हैं। यहाँ भी वही शरीर में पाई जाने वाली जो बड़ी ग्रंथियाँ हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एड्रिनल, थायरॉयड, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, ओवेरी, टेस्टिस, थाइमस, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, जो मेल और फीमेल को यदि देखा जाए तो दोनों में लगभग सभी ग्रंथियां पाई जाती है। फीमेल में ओवेरी गोनेड्स होते हैं जिनसे कि हार्मोन्स निकलते हैं, मेल में टेस्टिस होते हैं जिनसे भी हार्मोन्स निकलते हैं। अब यदि हम ये लें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम कैसे करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होती है उनसे निकलने वाला जो हॉर्मोन्स हैं वो सीधे ही ब्लड में आता है, यानी इन ग्रंथियों से निकलने वाला रसायन हॉर्मोन डायरेक्ट ब्लड में आता है और ब्लड के द्वारा यह टारगेट सेल तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, यानी इनके स्राव को ले जाने के लिए किसी प्रकार की डक्ट या कैनाल नहीं पाई जाती, इसीलिए यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जो कि स्रावी स्वभाव सिक्रेशन का स्वभाव डेवलप कर लेती है
उन कोशिकाओं को हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या तंत्रिका श्राविक कोशिकाएं कहा जाता है। और तंत्रिकाएं जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उसमें लंबे एक्जोन्स होते हैं। तो इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है जिसे हम न्यूरो हार्मोन भी कहते हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स एक्जोन के द्वारा जो सेल के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, अंतस्थ भाग होते हैं, वहाँ तक ले जाया जाता है और वहाँ से ब्लड में छोड़ दिया जाता है। और ब्लड से फिर ये हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। इसी प्रकार इस चित्र में भी ये दिखाया गया है कि जो नर्वस सेल्स है उसके एक्जोन्स के द्वारा जो इस न्यूरॉन से निकलने वाला जो रसायन है वो दूसरी न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनसे निकलने वाला जो हॉर्मोन्स होता है, रसायन होता है, वो सीधे ही ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ब्लड से टारगेट सेल तक वो पहुंचता है। इस चित्र में भी देखें तो हम यही है कि ये श्राविक कोशिका है ग्लैंड्स की, यहाँ से हार्मोन्स निकलता है, सीधा ब्लड में आता है, ब्लड के थ्रू हार्मोन्स है वो ट्रांसपोर्ट होके वो टारगेट सेल तक पहुँच जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेल है, यहाँ से हार्मोन्स निकलता है, ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक पहुँचता है। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उन ग्रंथियों से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो ब्लड में आते हैं और ब्लड से टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। किसी प्रकार की डक्ट इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं पाई जाती। दूसरी जो ग्रंथियां थी वो थी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स में निकलने वाला जो स्राव या हार्मोन्स होता है वो एक विशेष डक्ट के द्वारा, वाहिनी के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक ले जाया जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था आउटलाइन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा तथा मिक्स्ड ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा। धन्यवाद।